इंदौर जिले में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करने के बाद अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके बाद आज कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली और अपने क्षेत्रों की स्थिति भी जानी। इंदौर में आज कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके पहले प्रशासन द्वारा 31 तारीख तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए थे। वहीं बैठक में इस बात की समीक्षा की गई कि जहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया है वहां की क्या स्थिति है। उस स्थिति के सामने आने के बाद ही एडीओ को धीरे धीरे ओपन किया जाएगा, क्योंकि अब कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है। अब 31 तारीख तक इंदौर शहर में सख्ती की जाएगी ताकि संक्रमण की चैन पूरी तरह से टूट सके। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा कि अब तक शहर में 560 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां संक्रमित ज्यादा है उस क्षेत्र को अभी नहीं खोलेंगे, जहां कम हो चुके हैं उन क्षेत्रों को धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। 3 सर्कल में जोन बांटा, शहर को बांटा था पूरे जिले को। अभी ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी, अभी बेसिकली गवर्नमेंट इसमें प्रोटोकॉल तय कर रही है और एक्टिविटी पर से खुलेगा इस बार कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जब भी जब तक किया है 7-8 दिन का, ये वन टाइम ही है राशन का और सब्जी का, ये उसके बाद खुलेगा। जब भी 7-8 दिन के बाद इसको अलाउ करेंगे हम लोग, और इसको अलाउ करेंगे तो शुरू में हो सकता है कुछ 12 बजे तक ही रखे हैं इसको, जैसे पहले रख रहे थे। साथ में कंस्ट्रक्शन की बहुत मांग है। इंदौर से NK मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।